नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज 18, देश का सबसे लोकप्रिय चैनल, और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और गोटेगांव विधायक एनपी प्रजापति ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला किया। देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, संविधान की शपथ लेने वाले संसद में खुलेआम झूठ बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। देश में एक भी मौत शमशान घाटों के नजारे भूल गई है बीजेपी सरकार। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से देश गुजर रहा है। नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया था। देश के उद्योग धंधों को बेचने की फिराक में केंद्र की मोदी सरकार है। वित्तीय प्रबंधन का गणित सिर्फ सरकार को गिराने और खरीदने के लिए आता है। केंद्र सरकार को विरोध करने वाले कुचलने में माहिर है। साथ ही मनमोहन सरकार ने गरीबों को 35 किलो अनाज दिया था, मोदी 5 किलो देकर फोटो खिंचवा रहे हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं ये लोग, लेकिन आप देखिए जो बात करेंगे बिल्कुल पलट उसका कारी होगा। करू नाम है हमारे, गोटेगांव में क्या स्थिति थी, शमशान घाट में क्या स्थिति थी, सबने देखी। ऑक्सीजन के गोटेगांव में क्या स्थिति थी, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का। संविधान के तहत शपथ लेने वाले व्यक्ति सदन में बोलते हैं कि ऑक्सीजन से कोई नहीं है, इससे बड़ा क्या काला दिन होगा इस देश के लिए। हमारे गोटेगांव में कितने ऑक्सीजन के कांड, क्या चीज नहीं हुई, बहुत तेज आवाज आ रही है, क्या नहीं हुआ हमारे यहाँ ऑक्सीजन के कांड। नरसिंहपुर में क्या नहीं हुआ, कहाँ कहाँ से सिलेंडर नहीं आए। इनको झूठ बोलते हुए सदन में चरासी ये नहीं आई, क्या है ये। जनप्रतिनिधि इसलिए सोच जाते हैं कि जो असलियत है अगर वो आए तो उसको स्वीकार करो। जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार की थी, लाल बहादुर शास्त्री ने स्वीकार की थी, इंदिरा जी ने स्वीकार की थी, राजीव गांधी ने स्वीकार की थी, और फिर उसको जनता के बीच में सही करके बताया। लेकिन इन लोगों को क्या हो गया है, सिर्फ देश के बड़े बड़े 70 साल में जो उद्यम, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान भारत देश ने तैयार किए थे उनको बेचने की फुर्सत है। देश की तरफ कोई चिंता नहीं है। आज कर्मचारी जो बैठे हैं न्याय मांग के लिए बैठे हैं, हम लोगों ने चालू कर दी थी, तुम लोग आए बंद कर दी, क्या है। अगर वित्तीय प्रबंधन देश से लेकर प्रदेश में नहीं आता तो भाई मत बैठो ना। इनको वित्तीय प्रबंधन पूरे देश में सिर्फ एक चीज का आता है कि किस सरकार को कैसे खरीदें और कैसे गिराएं, सिर्फ वो वित्तीय प्रबंधन आता है। बाकी देश की जनता कहाँ जाए, देश कहाँ जाए, देश में महंगाई कहाँ जाए, देश की भुखमरी कैसे होए, बस इसके तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। जनता लाचार है, प्रेस लाचार है, खुद ही जासूसी करवा लेते हैं, खुद ही प्रेस से लेके जमाने भर के लोगों को फंसा लेते हैं, फंदा लेते हैं, ताकि अंटी मार के धोती में बांध के धरें। समझ रहे ना भैया, जो ने जरा नजरें उठाई तो उनकी नजरें चुरा ली। तो ये कोई नियम कोई कानून नहीं, तुम बोल देते हो गरीबों को हम अनाज देंगे, ये अनाज देना शुरुआत की थी मनमोहन सरकार ने। गरीबों को 35 किलो अनाज कैसे दिया जाए, ये कांग्रेस ने शुरू किया था। तुम आप 5 किलो दे रहे हो और बड़ा बड़ा शेर ले रहे हो कि मोदी की फोटो और शिवराज की फोटो, और जब फोटो युग है, विज्ञापन योग है, बस फोटो देखना चाहिए, भले ही कछु काम न करें। ढेला भर का काम नहीं किया ये प्रधानमंत्री ने, दाढ़ी भर बढ़ाई। जब गुजरात में थे काली दाढ़ी थी, तो काले को क्या बोलते हैं आजकल, कौन सी बीमारी है, ब्लैक फंगस। और अब जब सफेद हो गई तो कौन सी हो गई, व्हाइट फंगस। इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। संभाग ब्यूरो, आशीष साहू की खास रिपोर्ट।